देखिए दोस्तों, ई रिक्शा आपके लाइफ में कितना घातक है, कितना खतरनाक है, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। हर तरफ लोग बिखरे पड़े हैं, उधर कुछ महिलाएं बैठी है। ई रिक्शा की हालत देखिएगा तो आप भी दंग रह जाइएगा कि पूरा शीशा चकनाचूर हो गया है। ये लोगों की ज़िंदगी के साथ, ये कंपनी जो है, यात्री कंपनी और भी अनेकों कंपनी जो रिक्शा बना रही है, लोगों की ज़िंदगी का के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये कितना घातक है, ये दो डेढ़ हाथ का बना हुआ रिक्शा कब रोड पर पलट जाएगा, आपकी मौत कब हो जाएगी आपको भी नहीं पता है। ड्राइवर कब मर जाएगा, बैठा हुआ पैसेंजर कब मर जाएगा, वो आपको रिक्शा की हालत देख के लग रही है। इसका एंगल देखिए आप, ये एंगल सीधा धस गया है। एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से इसमें जितने भी बैठे हैं एक हॉस्पिटल चले जाते हैं। कुछ महिलाएँ हैं जो जख्मी हालत में पड़ी है, कुछ जेंट्स हैं जो दूसरे साइड में हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए ये डेढ़ हाथ का बना हुआ रिक्शा कितना खतरनाक है। देखिए इधर एक माता है जो आप भी थी अंदर में, आप भी थी, पूरा सर में चोट लगवाई है सर में, जी सर में लगा हुआ है। साथ थी? नहीं मेरे साथ नहीं, हम भी यहीं पर गए। अच्छा कहाँ जा रही थी माता? बेटी का नहीं, आजाद चौक। आजाद चौक बताइए दोस्तों, कितने लोगों के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। न इस पर सरकार को दिख रही है, न पुलिस प्रशासन इस पर गौर कर रही है। देखिए इनको भी चोट लगा, आपको भी माता जी चोट लग गया। कहाँ गई थी? बाजार गलिए चकवाखर जाइबे घर है। ओ घर जा रही थी चकवाखर। हाँ, बाजार से। हाँ। और इनको भी चोट लगा हुआ है सर में, चोट तो बहुत है, गोरा सब। बताइए ना, एम्बुलेंस आती है फोन करने के बाद, ना 112 नंबर की गाड़ी आती है। अब पूछना चाहते हैं कि एम्बुलेंस को किस लिए रखा गया। नंबर जो जारी किया गया कि 102 पर आप कॉल कीजिए, एम्बुलेंस को बुलाइए, 112 पर कॉल कीजिए, 112 नंबर को बुलाइए। आज आधा घंटा से लोग तड़प रहे हैं, एक भी गाड़ी नहीं आ रही है। देखिए आया है तो आधा घंटा बाद, देखिए कुछ लोग आ गए हैं और इस गाड़ी को बैन, देखिए गाड़ी को भी ले जाया जा रहा है। कौन ले जा रहे हैं गाड़ी को? हाँ हाँ सही बात है, आप यहीं पर थे? नहीं हम यहाँ पर नहीं थे। आपका एजेंसी था, आप नहीं थे? आप लोग यहीं पर थे क्या? नहीं हम लोग नहीं थे। आप यहीं पर थे क्या? नहीं। आपका कोई आदमी था? मेरे गांव का था। आपको गांव का? जी आपको नहीं देखे। फोन पे पता हुआ कि एक्सीडेंट हो गया है? जी जी अभी आए हैं, हम भी पैसेंजर है लेके। पैसेंजर लेकर ना? अच्छा, जब से दोस्तों, जब से ये ई रिक्शा बना है, न जाने कितने परिवार अनाथ हो गए हैं, न जाने कितनी बेटियां विधवा हो गई हैं, माँ का बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। यही वो ई रिक्शा है जो कई जिंदगियों का मौत बना है। आज भी एक अपनी जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल समस्तीपुर में। यही वो रिक्शा है जो लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। देखिए एक डेढ़ हाथ का बना हुआ रिक्शा किस तरह घातक है, किस तरह आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये धड़ल्ले से बिक रहा है, लोग इसे चला भी रहे हैं, ना लाइसेंस की ज़रूरत, ना कोई सेफ्टी है इसमें, फिर भी ये रोड पर चल रहा है। हालाँकि सवाल उठेगा दोस्तों बिहार के उन लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, क्योंकि इसमें विधायक MP सफ़र नहीं करते हैं, इसमें सफ़र करते हैं गरीब लोग 10-15 रुपया देकर, और ये गरीब लोग की ही ज़िंदगी लेता है। देखिए किस तरह एंगल टेढ़ा हो गया, उधर का देखिएगा, यानी इतना बैलेंस बिगड़ा, अगर पानी में बरसात में देखिएगा हल्का सा गड्ढा आएगा ये पलटी मार देता है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस ई रिक्शा पर ना चढ़ें, इस ई रिक्शा पर सफ़र ना करें, नहीं तो आपकी भी मौत हो सकती है। और इस ई रिक्शा को बंद करने की मांग आप भी उठाइए, ताकि ये ई रिक्शा बंद हो जाए, ताकि आपकी मौत, आपके बच्चों की मौत न हो इसे। देखिए ये यात्री कंपनी का ये ई रिक्शा है, और भी कंपनियां का बनता है, बिहार में धड़ल्ले से बिक रहा है, न कोई कागज़ न पेपर न कुछ। आप इस पर सफ़र कीजिए और मौत आपकी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए काफ़ी भीड़ लग गया है, देखिए काफ़ी भीड़ लगा हुआ है।